Welcome students, we have already discussed simple present tense and simple past tense. आज workbook page number 11, उसमें जो simple past tense की जो blanks थी वो आप लोगों ने घर पे लिख दी होगी. वही पेज पे नीचे describing words means adjective. What is the adjective? An adjective is a word that tells you something more about a noun, name, place, animal, thing. इसका मतलब ये हुआ कि adjective जो noun है उसमें something add करता है, something more about, उसके बारे में थोड़ा हमें जानने मिलता है. उसको हम क्या बोलेंगे? Adjective. जैसे example, little gardener. Gardener तो है पर little, उसके आगे हमने little लगाया, मतलब छोटा gardener. Number two, ए मैजिक गार्डन, यानी कि मैजिक यानी कि जादुई गार्डन. ए टाइनी बर्ड. एंड द फोर्थ वन इज गोल्डन ड्रेस, यानी कि जो नेम प्लेस एनिमल और थिंग उसके आगे जो वर्ड लगता है उसमें एडजेक्टिव बोलते हैं उसको. नेक्स्ट ऑपोजिट वर्ड्स. ऑपोजिट वर्ड्स मतलब आपको पता है कि जो वर्ड है उसके सामने वाला, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स. जैसे बिग स्मॉल, फैट थिन, टॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, न्यू ओल्ड, यंग ओल्ड, क्लीन डर्टी, हॉट कोल्ड, हैप्पी सैड, वाइट ब्लैक. आप सबको ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में पता ही है. नाउ वी मूव ऑन पेज नंबर 12 फ्रॉम वर्कबुक. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम द ब्रैकेट्स. यानी कि हमें एडजेक्टिव ब्लैंक के अंदर फिल करना है. जैसे द सन इज रेड है या येलो है. सन कैसा होता है? येलो, तो हम लिखेंगे येलो. द माउस इज अ डैश एनिमल, स्मॉल और बिग, स्मॉल एनिमल. माई ग्रैंड फादर इज एन ओल्ड मैन, लुक एट दैट ग्रीन पैरोट. मनोज इज अ टॉल बॉय, ही इज नॉट शॉर्ट. माई पेंसिल इज शॉर्ट, योर पेंसिल इज लॉन्ग. आइसक्रीम इज कोल्ड, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल. माई क्लासरूम इज क्लीन, द स्काई इज ब्लू. इसका मतलब हमने ब्रैकेट में से एडजेक्टिव ढूंढकर ब्लैंक में फिल किया है. इसका पीडीएफ फॉर्म में इसके नीचे ही भेज रही हूँ, आपको अपनी वर्कबुक के अंदर लिख लेना है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. यानी कि हमें जो वर्ड्स दिए हैं उसके हमें ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं. जैसे फैट थिन, क्लीन डर्टी, हॉट कोल्ड, बिग शॉर्ट, वाइट ब्लैक, लॉन्ग शॉर्ट, सैड हैप्पी, न्यू ओल्ड, टॉल शॉर्ट, गुड बैड. ओके, यहाँ तक आपको आपकी बुक के अंदर लिख लेना है. ओके, थैंक यू.